Hello guys, welcome to our channel Film Industry Planet. Today we will talk about famous Haryanvi singer Sapna Chaudhary. मौत की अफवाह फैलाने वालों पर भड़की सपना चौधरी बोली, मेरे घर वाले बेहद परेशान हो गए थे, कॉल पे कॉल करके मेरा हालचाल पूछ रहे थे। आपको बता दें कि जाने माने हरियाणवी सिंगर और बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट रह चुकी सपना चौधरी ने उन अफवाहों पर अपना रिएक्शन दे चुका है, जिसमें उनको आप बिलीव नहीं करोगे उनका निधन हो गया ऐसी अफवाह फैला दी गई थी। दरअसल पिछले दिनों ये अफवाह फैलाई गई थी कि सिरसा हरियाणा में कोई सड़क हादसे में सपना की जान चली गई है। ये खबर आते ही उनके घर वाले और फैंस परेशान हो उठे, इतने परेशान हो उठे कि वो फोन पे फोन करने लगे। सपना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मौत की अफवाहों से मेरे घर वाले बेहद परेशान हैं, सब कॉल पे कॉल करके मेरा हालचाल जानते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, उसे कैसे डील करें। इस प्रोफेशन में उन्होंने कहा कि कई तरह की अफवाहों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस तरह की अफवाहें बेहद अजीब हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इसे इस तरह की बातें कैसे कर देते हैं, कैसे फैलाते हैं, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ वो व्यक्ति बल्कि उसके घर वाले भी बेहद परेशान हो जाते हैं। सोचिए, आप जरा सोचिए, किसी के माँ बाप को कॉल करके किसी ने बोल दिया कि आपकी बेटी का निधन हो चुका है, तो उन पे क्या बीती है? दरअसल एक अफवाह थी, जिन्होंने अफवाह फैलाई थी वो खुद कंफ्यूज हो चुके थे। अच्छा होता अगर कंफ्यूज ना होते तो। आपको बता दें कि सपना चौधरी जो है बिग बॉस 11 में हिस्सा ले चुकी है। बिग बॉस 11 में हिस्सा लेने के बाद सपना चौधरी देश भर में इतनी फेमस हो गई कि उसका कोई लिमिट नहीं रही। लॉकडाउन के दौरान भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम वीडियोस से अपने फैंस का खूब मनोरंजन किया। सपना चौधरी के कई सारे गाने ऑलरेडी फेमस हैं। सपना के कई सारे डांस वीडियोस इंटरनेट पर धूम मचा चुके हैं, जिनमें तेरी आंखियां का ये काजल, सॉलिड बॉडी, छोरे भैंस बड़ी बिंदास, उनके ऐसे सबसे पॉपुलर गानों पे हैं वो मनोरंजन कर रहे थे। सपना ने फिल्म वीर दी वेडिंग में स्पेशल डांस नंबर हट जाता हो पर परफॉर्मेंस करते हुए अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसके बाद वे अभय देओल स्टारर फिल्म नानू की जानू के लव पायलट और तेरे ठुमके सपना चौधरी गाने में नजर आई थी। आपको बता दें कि सपना चौधरी ने गुपचुप शादी भी कर ली। जी हाँ, सपना पिछले साल हरियाणवी सिंगर वीर साहू के साथ शादी कर चुकी हैं, ये सुर्खियों में आई थी। पिछले साल अक्टूबर में वीर साहू ने फेसबुक पर खुलासा किया था कि उनकी शादी सपना से हो गई है और सपना एक बेटे की माँ भी बन चुकी है। जनवरी 2020 में दोनों ने गुपचुप तरीके से मंदिर में शादी की थी। उन्होंने कहा था कि परिवार में मौत होने की वजह से वे प्रशंसकों के साथ खुशियाँ साझा नहीं कर पाए। इसके साथ ही गर्भवती होने की खबरों पर सपना को ट्रॉल करने वालों पर वो भड़की और उन्होंने कहा कि किसी के निजी जीवन के लोगों का हस्तक्षेप बिल्कुल ठीक नहीं है, हमने अपनी इच्छा से शादी की है, लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर वीडियोज़।